नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एवं कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल एवं कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। पूर्व निर्धारित कार्य योजना अनुसार 16 दिसंबर को युक्त कार्यक्रम सिंचाई विभाग कॉलोनी परिसर मऊगंज में आयोजित किया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक एवं मऊगंज कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना अनुसार 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 के मध्य जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका, उद्यम, सामाजिक एवं अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जन धन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा केंद्र, परिवर्तित योजनाएं यथा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जीवन अंत्योदय योजना, पीएम सम्मान निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, भू स्वामित्व, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, उन्नत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आधार जल जीवन मिशन के प्रचार प्रसार हेतु तकनीकी रूप से तैयार वाहन, जन समुदाय के लिए संचार, शिक्षा प्रसार किया जाएगा। विकास रथ गांव गांव भ्रमण करेगा, जिसके भ्रमण के लिए प्रति दिवस का रूट चार्ट तैयार किया गया है। साथ ही रथ भ्रमण के दौरान जन जागरूकता के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड उद्घोषक का प्रसारण, धरती कहे पुकार के फिल्म का प्रदर्शन एवं उक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त हितग्राहियों का कहानी मेरी जुबानी सत्र, युवा भारत योजना में सुपंजीयन, छात्र छात्राओं के उत्साहित क्विज प्रतियोगिता के आयोजन के साथ पुरस्कार वितरण की कार्य योजना है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल एवं श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने उद्बोधन में यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस मौके पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष नीलम इंद्रपाल सिंह के साथ जिला मऊगंज के समस्त विभागों के विभाग प्रमुख, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रीय जन मौजूद। सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान उद्योग संरचना, खेलो इंडिया, आरसीएस और सीएम हेल्पलाइन, इन सब को इसमें जोड़ा गया और यह अभियान पूरा 40-45 दिन तक चलने वाला, 25 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पर है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पर पार्षदगण है, हमारे और ग्राम पंचायत क्षेत्र से जनप्रतिनिधि लोग हैं। ये संक्षिप्त में मैंने आपको पूरी योजनाओं की जानकारी बताई है और इसमें जो योजनाओं को शामिल किया गया है वो मुख्य रूप से बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री आवास मिशन है, उज्ज्वला योजना है, विश्वकर्मा योजना है, किसान सम्मान निधि है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं, स्वनिधि योजना है, विश्वकर्मा, उज्ज्वला, मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, आवास, प्रधानमंत्री आवास शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, उजाला योजना, अमृत योजना।